तव कथाममृत तजीवन कविड़ीडि कलम शापम श्रवणमंगल श्रीमदात भुवि गृहती ये बुनिदा ज <coughs> अहिल्या का ज्ञान एवं भक्ति मिश्रित स्तवराजी का बात चल रहा था अहिल्या हमारे जीवन का आध्यात्मिक एक समस्या का समाधान के लिए बोल रहे हैं कि भगवान को तत्वतः जानना जरूरी है सिर्फ जानने से नहीं होगा भोली बात जानना जरूरी है जो नॉर्मल जो हिस्टोरिक डेटा बायोग्राफी वो एक चीज़ है लेकिन उनका जो स्वरूप इसलिए बताया और वो हम क्यों नहीं जान पाते कारण आपकी माया से हम लोग विमोहित है भगवान का सरचित माया वो जबरदस्त थी क्योंकि फिफ्टी फिफ्थ में लिखा हुआ है अध्यात्म राम

और जो आप जो मायातीतम एवं महेश्वरा माईता महेश्वरा आप माया का अधीश है आपको मनुष्य जैसा प्रतीत होता है आप माई तम महेश्वर स्वयं महेश्वर जो कि आप गीता का पैराल कोट करके समझाया अजो भी सन भूताना भूता नाप ईश्वरोपी सन आप अज है अजन्मा है अव्यय है भूतगंध ईश्वर है लेकिन अवजानंत मांग मुड़ा मनुष्य तनुमाश्रित तो परम भाव अजानंत माम भूतम ऐश्वरम हमारा परम भाव को नहीं जान पाते हैं मुझे अवज्ञा कहते हैं देखा है भगवान को कितने अवज्ञा किया जा रहा था हृदय राम इतना तंग किया कि ठाकुर अपना आत्महत्या करने के लिए चले गए गंगा की किनार में असहनीय था भगवान नरशी धारण करने के बावजूद कितना कष्ट झेलना पड़ा गिरीश चंद्र घोष इतना गाली गलौज किया कोई व्यक्ति सह नहीं सकते हैं एवं गिरीश चंद्र घोष इस पैंट पर ही प्रभु का गुलाम बन गया कितना गाली गालवच करके घर से निकाल देने के बावजूद ठाकुर पुनः दक्षिणेश्वर में गाड़ी भाड़ा करके पुनः उनके घर में पूछा उसी रात को तब गिरीश चंद्र ने बताया कोई ईश्वर बिना कोई व्यक्ति ऐसी नहीं हो सकता है इतने अपमान के बाद पुनः आना मुको दर्शन नहीं करेगा जिंदगी भर इतना गाली कावाच गंदा गाली गलत दिया लेकिन वो भगवान है इसीलिए कहता है भगवान प्रमाण हो गया ये तो असंभव है लेकिन ये बात सही है कि इनको इतना कष्ट झेलना पड़ता है इसके कारण स्वयं भगवान का सरचित माया है तंग माया मोहित धी आस्तम उनका जो धी है बुद्धि है वो मोहित हो गया मोहित हो जाता है एवं भगवान को हम जान नहीं पाते इसलिए बोला है हमें हरिय नारद जी से प्रार्थना करना चाहिए ये प्रभु आपका मा, भुवनमयिनी माया से मुझे मुक्त बद्ध मत करो हमें आबद्ध मत करो माया मुक्त हो जाने से आपको पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि भगवान को पहचानना बहुत ज़रूरी है नहीं तो भगवान का महात्म ज्ञान हम अपवाद होता है अवज्ञा हो जाता है हमारे जीवन का लक्ष्य भ्रष्ट हो जाता है ये जो स्वरूप तो बताया जो भगवान का जो तत्वता भगवान का तत्वता जानना कौन चीज है वट इज इज रियल स्वरूप वो परवर्ती श्लोक में बता रहे हैं सुंदर ढंग से बताया परवर्ती श्लोक में बता रहे हैं वट इज ए तत्व उनका जो असली स्वरूप क्या है आकाशवत तत्व आकाशवत तम सर्वम वही अंतर्गतो आप आकाश जैसे सर्वत्र बहिर्ंतर्गत आप भीतर भी बाहर आप व्याप्त है एवं अमल आकाश तत् सर्वत्र बहिरांतो अमल आप मलहीन है न केवल मलहीन है असंग ही अचल नित्य शुद्ध बुद्ध सद ये भगवान का तत्व था स्वरूप एक तो बताया आप आकाश जैसे भीतर में भी विराजमान है बाहर में भी विराजमान है आकाश स्पेस स्पेस इज इन साइड आवर बॉडी एंड आवर साइड ये जो हमारे जो बताया भगवान का जो पूरी माप जो हमारे जो आकाश है क्षितिअप चीज मूर्द बोम तो आकाश हमारे भीतर भी भी में भी है बाहर में भी है स्पेस आप इसी आकाश है सबके भीतर है सबके बाहर है बट यू आर नॉट अफेक्टेड आकाश इज नॉट अफेक्टेड बाई एनी थिंग इन द स्काई द्लाउड्स का मैन गो स्काई रिमेन में आप ऐसी है सबके भीतर है एवं सबके साथ पृथक है वही अंत भीतर में भी है सो भगवान हम लोग ओत प्रोत से भगवान के साथ जुक्त है जिससे आकाश भीतर में भी है बाहर में है हम लोग आकाश में अवस्थित थे वैसे हम लोग भगवान में अवस्थित है तरह बात है लेकिन रहते हुए भी क्या बोला असंग संग रहित नॉट अटैच्ड आकाश इज नॉट अटैच टू एनीथिंग इज डिस्टिंक्ट इट इज डिस्टिंक्ट। आसंग है संगठित है एवं ही, ही अचल स्टेशनरी के चलता नहीं सब दुनिया में सब कुछ चलता है लेकिन वो स्थिर है वो स्थिर है अचल है चलता नहीं एवं वो नित्य है इटानल है ये है भगवान का तत्व था कभी वो क्षय नहीं वाय नहीं सब समय एक रूप रहता है इज नेवर टू बी लॉस्ट नित्य स्थाई अचल अच्छा नित्य तो चलमान नहीं है स्थिर है एवं शुद्धो बुद्धो यूरिटी पर्सोनिफाइड बुद्ध सब समय उनको ज्ञान उनके भीतर है सो इन्फिनिट मर्सी इन्फिनिट नॉलेज ये कर शुद्ध हो बुद्ध ये जो बताया, जो आप एवं सद अव्य व्यय नहीं कभी आपको राश नहीं होगा सब कुछ जीवन में राजवृद्धि होता है क्षय हो जाता है एक रूप नहीं रहता है सब कुछ एकमात्र भगवान ही क्षय नहीं थे अव्य कोई परिवर्तन नहीं है तो इसी करके जो भगवान का स्वरूप का परिचय दिया है ये भगवान के बारे में जानना जरूरी है और ये हम देखते हैं भगवत गीता में भी उन्होंने रूप रूप से बताया द्वितीय अध्याय में बताया है जो आत्मा का स्वरूप क्या है तत्वता आत्मा का क्या अच्छी को बताया अदाज ये जो ये अदाध्य ये हम अक्लिद श्रोष्ठ ही बचे अच्छे दो हयम अदाजो एम अक्ले शोष है बचे नित्यगत स्थानु न लो हम सनातन हम तो वो कभी पानी में भिजता नहीं और उनको मुताब देने से भी वो रहेगा बर्न करने से भी वैक्रूप रहेगा ये विचित्र है आत्मा का स्वरूप परिवर्तनहीन सब कुछ परिवर्तनशील है यह अपरिवर्तनीय है एवं इसको ना जलाया जाता है ना कुछ भींगता है ना कुछ किसी प्रक्रिया से इसको कोई बदलना संभव नहीं है एवं तो उसको पॉजिटिव क्या है नित्य सर्वगत स्थानों वो अकेले रहते हैं और चलमान नहीं है अचल है स्थानों स्टेशनरी सबको जो जीवन में चलमान है हम सोचते हैं उसी के साथ रिश्ता करेंगे ये बराबर हमारे साथ रहेगा ऐसे कोई है ये हमारे मन को स्थिर स्तुति करना चाहिए और करने से ही ये तत्व को देने से हमारा मन शांत तो रहेगा यही कहना है कि तत्व भगवान को जानना जरूरी है और तत्व तो क्या है आकाश जैसे सर्व सब समय सबके भीतर बाहर विराजमान भी है एवं अपरिवर्तनीय है किसी प्रक्रिया से उसको राजवृद्धि नहीं होगा तभी ये जो तो भगवान को जानने से हमारा उपकार क्या होगा और तो फायदा क्या है फायदा है वी आर नेवर अफ्रेड ऑफ एनीथिंग वी आर अटैच टू सच ए गॉड विच इज कॉन्स्टेंट कोई अवस्था में भी इसका परिवर्तन नहीं होगा सब कुछ जीवन में जो परिवर्तनशील है उसको भय रहता है कभी ख़त्म हो जाएगा सबसे तो हमारे मन में भय रहता है जी ये तो स्थाई नहीं है कब है अगर हम जानते हैं कि जिसको साथ हम जुड़े हैं ये तो बराबर रहेगा कोई इसका चिंतन नहीं है तब मन में एक दृढ़ता आता है शांति आता है पवित्रता आता है तनाव मुक्ति आता है ठीक है परमानेंट एक बंदोबस्त है वो ये भगवान तो ये जो अहिल्या का जो स्तब ज्ञान भक्ति के लिए कैसे हमें आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होना होता, होता। करते हैं वो समझना चाहिए वाई दिस नॉलेज इज़ एसेंशियल फॉर अस सब समय जीवन में हम लोग एक निश्चय तक गंद में हम लोग शिकार है हर बगत डर है कौन चीज़ रहेगा कौन चीज़ नहीं रहेगा अगर हमें मन में ये स्थिर बुद्धि हो जाए कि हम जिस भगवान के साथ जुड़े हैं वो बराबर कभी उसका राय व्यय नहीं है राजविद्य राज नहीं है एवं उनके जो भगवान के साथ हमारा जो रिश्ता है वो बराबर पक्का है एवं भगवान को स्वरूप जैसे है वो जैसे रहना चाहिए वी विल नॉट बी कि क्या होगा नहीं होगा तो भगवान का जो रूप वर्णन किया है ये हमारा टेरी धोरना चाहिए धीरे उनका जो विचारधारा है विचार के साथ हम परिचित हो जाएंगे तो ये जो अहिल का जो स्तव है इसलिए हमारे लिए बहुत मार्मिक है कि एक का बाद एक भगवान का स्वरूप उन्मोचन कर रहा है लेकिन दुर्भाग्यवश तो क्या होता है भगवान जब मानुष पकड़ के आते हैं रूप धारण करके आते हैं वो इतना जबरदस्त उनका माया है उनको हम एकदम मनुष्य जैसे समझते हैं और उसी लिये करते हैं हम देखा है कि जो रामचंद्र के जीवन में मैं उल्लेख किया था सब उनको एक सिर्फ सब नहीं है सिर्फ बारह ऋषियों ठाकुर कहते हैं बारह ऋषियों को पहचान लिया वैसे ही प्रत्येक अवतार में होता है श्री रामकृष्ण रूप में जब अवतार हुए थे कौन उसको पहचान पाया मधुर बाबू उनके साथ छाया संगीत चीज से था और वो जो इप्सित जो उनका दिशा वो मिला किंतु तो ज्ञान नहीं मिला ये भी हमें भक्तगण को याद रखना चाहिए कि अगर भगवान आके पूछते हैं तुम्हें तो क्या चाहिए उस समय सावधान होके जो रहने वाला चीज़ वही मांग लेना चाहिए जो परिवर्तनशील है उसका नहीं मांगना चाहिए दिस इज द ट्रेनिंग कम से कम दिस दिस मिनिमम गोल ऑफ लाइफ टू फिक्स व्हाट वी वांट हम लोग क्या चाहिए जैसे कि माँ खेत के साथ बोल रहे उनके भाई सगे भाई ज्ञान को को भक्ति चाहिए ना कली टाका टाका करे काली माँ स्वयं सब कुछ देने के लिए तैयार है लेकिन बुद्धि इनका दिन का विभ्रम हो गया माँ के साथ कुछ फालतू तो कुछ रुपया मांग मां लिया सब कुछ जीवन में मिल जाता मांगने पर ही मिलेगा तो हमें वैसी मानसिकता होना चाहिए जो कौन भगवान के साथ हम जुड़े हैं हु इज दिस पर्सन ये 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 उनका जो ईश्वर ज्ञान हमें अगर मन में दृढ़ हो जाए तब जीवन में और कोई भूल नहीं करेंगे हम लोग हम लोग सोचते हैं जी इतना ही इनका देने का है वो जो कुछ मांग ले हम जीवन बर्बाद कर देते हैं तो भगवान को सही ढंग से जानने से फ़ायदा क्या है हमारा जीवन दर्शन बदल जाता है जीवन का जो चाह वो बदल जाता है भगवान सब कुछ देने के लिए कभी वो तो खतर में नहीं हो बराबर विराजमान है तो पहले मन में तनाव ही ना होगा कोई तनाव नहीं रहेगा और मन में शांति आनंद होना चाहिए एवं हम लोग जो चाहते हैं भगवान सिखा दिया सिर्फ भक्ति प्रार्थना करोगे और कुछ नहीं अगर जो कुछ चाहे हम देंगे लेकिन सिर्फ़ हमारे भलाई के लिए भक्ति प्रार्थना करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए तुम्हारा ये इस विचित्र माया से कायना फंस जाए तो जो ठगोर एक आश्वास बनने दे रहे हैं गीता में जो ऐसी करते जो हम उसको देखभाल करते कोई असुविधा नहीं जो करे हम तो हम उसको देखभाल करेंगे किंतु भगवान को सही ढंग से पहचानना जरूरी तत्वतः जानना चाहिए जो कि अहिल्य के स्तंभ में परिस्फुट है इस प्रश्न को और भी हम आगे बढ़ाएंगे जो कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में लाभदायी होगी ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत् श्री राम पर नमस्तु आज एक पावन दिवस है भगवान श्री कृष्ण का अंतरंग पार्षद श्रीमद समितूर्यानंद जी जो कि होलीवारा नाम से परिचलित परिचित थे सर्वाधिक तो उनका आज जयंती उनको कहा जाता है कि जो जीवित जब तक जीवित थे जीवित जीवन मुक्त पुरुष जीवन मुक्त तुल्यानंद इस आधार पर एक प्रवचन होगा शाम को आरती के बाद आप लोग जो संभव होगा तो आएंगे तो ये YouTube चैनल पर भी दिखाई पड़ेगा जीवन मुक्त तुल्यानंद आज उनकी जीवनी तथा वाणी अच्छा रहिए स्वस्थ रहिए आनंद में रहिए नमस्कार